चाय हमारी आ चुकी है, तो चाय पीने से पहले पहले जो है ना वो मैं आपको अपना जो है टेबल का जो है ना रिव्यू दे दूं। बिरयानी हम लोगों ने जो जितनी दफ़ा भी जितने भी रेस्टोरेंट हम लोगों ने किए, पहली दफ़ा इतनी अथेंटिक बिरयानी खाई है कि हमारी प्लेट जो है ना वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। और ये जो है ना इसको 10/10 आप कह सकते हैं कि 10/10। बाकी ये है कि यहाँ का शेफ़ जो है ना वो अथेंटिक लाहौर से है, इस वजह से आपको जो है ना वो पंजाब साइड का जो फूड का टेस्ट है ना वो यहाँ पर आपको सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में मिल सकता है। तो चाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए मरहबा रेस्टोरेंट में। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि हम लोगों ने मरहबा रेस्टोरेंट अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि आपने व्लॉग नहीं किया। तो खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, तो वीडियो मैंने सोचा कि आपको बाहर से भी दिखा दूँ, उसके बाद फिर अंदर जा कर आपको इनकी खाना जो है वो दिखाती हूँ। तो ये जो है ये मरहबा का है, अंदर वाला अंदर का इन्वायरमेंट है। तो फूड शूड हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। और यहाँ पे मुझे ना बड़े अरसे बाद जो है ना वो पाकिस्तानी भुने हुए चने नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास मरहबा का मेन्यू। और मेन्यू में जो है ना वो मेन चीज़ें जो होती हैं हमारे यहाँ के, जिसमें कोरमा होता है, अचार गोश्त होता है, मटन होता है, और इसके अलावा दालें वगैरह जो हैं वो हैं, और साथ में सलाद वगैरह, मतलब सेम वही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाला जो है ना वो आपको मेन्यू यहाँ पे भी मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ उसकी सर्विंग और सब कुछ। अच्छा जी, खाना जो है ना वो हमारा आ चुका है। और खाने में जो हम लोगों ने ऑर्डर किया, पहले तो मैं आपको वैसे बता दूँ, उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं। ये है बीफ कीमा, और साथ में ये जो है ये बिरयानी है, चावल कीमा नहीं है, बिरयानी है ये। अच्छा, ये बिरयानी है, और साथ में हम लोगों ने ये जो है ना सालन में एक दाल ली है, मिक्स दाल है ये। और साथ में ये जो है ना वो पराठा है, लच्छा पराठा है, और ये खूब से हुमस, हुमस है ये अरेबिक डिश टाइप, वो अरेबिक लोग ये ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक हमारे पास नान है, और ये बॉम्बे नान है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने मंगवा ली, अभी जो है ना वो मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, हुमस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा जी, देखते हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये है, यहाँ पे आके मुझे पता चला यहाँ पे हमें ना लाहौरी प्योर खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो शेफ़ हैं ना वो लाहौर से हैं, तो इसीलिए ये है कि उनका जो खाना है ना वो हम लोग जो है ना यहाँ पे लाहौर टाइप का जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। ये जी, मैंने राइस डाले हैं, बिरयानी, क्योंकि बिरयानी जो है ना हम लोगों को प्रॉपर कहीं से मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ से बिरयानी स्पेशल है तो हम लोग ट्राई करते हैं। वाह, बहुत बहुत कमाल का टेस्ट है। आपके लिए थोड़ी सी स्पाइसी है, हमारे लिए बहुत ठीक है। मुझे बोटी चाहिए, बोटी भी खिलाती हूँ। आपके लिए स्पाइसी है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। मतलब वो बिरयानी वाला जो इतने अरसे से हम लोगों का वो चल रहा था ना, हम लोगों को फीलिंग आ रही थी कि हम लोगों ने बिरयानी जो है वो ट्राई नहीं की है, तो यहाँ पर आके वो पूरा हो गया। अच्छा, इन लोगों ने जो है ना वो हमें रिकमेंड किया था कि आप कढ़ाई वगैरह जो है ना वो हर जगह से खा सकते हैं, तो हमारा ये स्पेशल है इनका बीफ जो है वो कीमा। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, जो ये रिकमेंड कर रहे हैं ना वो हम लोग ट्राई करते हैं। ये है जी पराठा, पराठा कह रहे हैं कि ये स्पेशल पराठा है, लच्छे वाला पराठा है। तो बाकी बहुत मज़े का, बहुत लजीज है, कमाल हो गया। बहुत अरसे बाद कह लें कि पंजाबी जो फूड है ना पंजाब साइड खाने का मौका मिला है, लेकिन मौका ऐसा मिला है कि वाकई ही मज़ा आया है कि ये वाली फूड जो है ना वो याद दिला रही है लाहौर की। जबरदस्त, इसके अंदर हर चीज़ बैलेंस है, कोई चीज़ जो है ना वो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ है या नमक तेज़ है, मिर्च तेज़ है। बहुत मज़े का, मतलब मेरा हाथ ऐसे है, मेरा हाथ रुक नहीं रहा है कि मैं जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मेरा दिल कर रहा है। ये बोमल नान भी अच्छा, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, मैं साथ में अब जो है ना वो इनकी दाल जो है ना ये ट्राई करके देख लूँ।
ये कैसी है? थोड़ा सा ऑयल भी डालें ताकि टेस्ट जो है ना वो मज़े का और लगे। इसी बॉम्बे नान के साथ ही मैं ट्राई करती हूँ इसको। नाइस, दाल भी अच्छी है इनकी। बहुत लाइट सी है, स्पाइसी नहीं है। टेस्ट इसका डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। ओवरऑल हर चीज़ बहुत मज़े की है। बिरयानी नंबर वन, इसको भी आप नंबर वन ही कह सकते हैं। इन दोनों को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपने स्किप नहीं करनी। दाल भी अच्छी है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि आपको सारा मेन्यू मैं ही कहूँ कि आप ये लें ये लें। बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा है। चाय हमारी आ चुकी है, तो चाय पीने से पहले पहले जो है ना वो मैं आपको अपना जो है टेबल का जो है ना रिव्यू दे दूँ। बिरयानी हम लोगों ने जो जितनी दफ़ा भी जितने भी रेस्टोरेंट हम लोगों ने किए हैं, पहली दफ़ा इतनी अथेंटिक बिरयानी खाई है कि हमारी प्लेट जो है ना वो बिल्कुल ख़ाली हो चुकी है। और ये जो है ना इसको 10/10 आप कह सकते हैं कि 10/10 है, ये भी 10/10 है। कीमा जो है इनका ये बहुत अच्छा है, और साथ में ये दाल है, दाल अच्छी है। और लेकिन इन लोगों ने हमें जो है ना वो रिकमेंड की थी कि आप लोग चना लें। दाल जो है इस वजह से भी बची है क्योंकि हम लोगों से इतना खाया नहीं गया, इसको हम पैक करवा लेंगे। 8/10 आप इसको दे सकते हैं। और ये है जी हमारी चाय। बाकी ये है कि यहाँ का शेफ़ जो है ना वो अथेंटिक लाहौर से है, इस वजह से आपको जो है ना वो पंजाब साइड का जो फूड का टेस्ट है ना वो यहाँ पर आपको सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में मिल सकता है। तो चाय मैं अभी ट्राई करती हूँ। चाय भी अथेंटिक है, इलायची वाली, और कलर शलर जो है ना इसका जो है ना वो बहुत मज़े का निकला हुआ है ना, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो उम्मीद है आज का व्लॉग जो है ना वो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।